हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट, सेफ एंड साउंड। और आज व्लॉग बनाने का इंटेंशन ये था कि मैंने थोड़ा पहले स्टार्ट करना चाहिए था व्लॉग, लेकिन दिमाग में नहीं आया व्लॉग स्टार्ट करने का। काफ़ी मुझे कुछ पोस्ट नहीं की पता है, पर ठीक है, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा था। अभी मैं ये बता रही हूँ कि ये पता नहीं इस व्लॉग में मैं वो चीज़ ऐड कर पाऊँगी या नहीं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन आई होप कि मैं एक छोटा सा बताने वाली हूँ कि मैं तो कहीं जा रही हूँ। मेरा वेकेशन फिर से प्लान हुआ है, मतलब मैंने लीव लिया है फॉर समथिंग एंड आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू समवेयर। अभी उसको मैं थोड़ा मतलब क्या बोलूँ, उसको अभी मैं हिडन ही रखती हूँ, अभी सरप्राइज ही रखती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को अच्छे व्लॉग कहाँ के देखने मिलेंगे वो मैं नहीं बताऊँगी। बट आज मैं गई थी कुछ सामान लेने के लिए और मुझे वो शूट करना चाहिए था कि मैंने क्या लिया क्या नहीं लिया, मतलब जैसा व्लॉग में होता है, बट आज नहीं हो पाया। बट मैं जब अभी पैकिंग करूँगी और जब स्टफ को अरेंज करूँगी तब मैं आपको इस चीज़ को डिक्लेयर भी कर दूँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर इस व्लॉग में नहीं हो पाता है तो ये एक छोटा सा इट मे पॉसिबल कल एक हम लोगों का फिर से हम लोग अपने लिए, मतलब हम गर्ल्स लोगों ने प्लान किया है कि कल हम लोगों का स्मॉल डोमिनोज पिज़्ज़ा पार्टी होने वाला है। तो मैं सोच रही हूँ अगर वो ये व्लॉग में होगा तो शायद ये व्लॉग उतना ही कंपाइल करके मैं डाल दूँगी, लेकिन अगर कल वो कैप्चर नहीं कर पाती हूँ ड्यू टू सम रीज़न तो फिर इसमें आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। ठीक है, चलिए तो टू बी कंटिन्यू इन द व्लॉग। सो मैंने जैसा बताया था कि मैं अगर मैं जाने वाले व्लॉग में इंक्लूड कर पाऊँगी तो करूँगी। उस दिन बताई कि हाँ कि मैं इफ़ पॉसिबल तो मैं वो सारा डॉक्यूमेंट बनाऊँ, वो मेरा एक्सिक्यूट नहीं हो पाया टाइम से। बट फाइनली इसकी किस्मत में लिखा था कि मैं ये सारा स्टफ इसमें दिखाऊं, क्योंकि मेरी पैकिंग चल रही है फिलहाल। कल मैं यहाँ से निकल रही हूँ कहीं के लिए, एक छोटा सा घूमने का और कह सकते हैं कि बाहर जाने का प्लान किया है। कहाँ जाना है, कैसे जा रही हूँ वो आप लोग को आगे व्लॉग में पता चल जाएगा। मैं अभी इतना सस्पेंस वो नहीं करना चाहती हूँ कि सारा कुछ बता दूँ। बट एनीवेज मैं फ़िलहाल तो शॉपिंग वगैरह हो गया है। इस बार मेरा बस दो ही दिन का ट्रिप है, मैं 17th को पहुंचूंगी, 18th एंड 19th को अगेन मेरा बैक है। तो फिर भी मैं दिखाती हूँ कि मेरा सामान कितना हो गया। एंड ये मेरा मतलब हमेशा का एक ये डायलॉग रहता है कि मेरा सामान ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज हर लड़की अग्री करेगी दो दिन के लिए ट्रिप हो एक दिन के लिए हो, हम लोगों को सब कुछ चाहिए होता है। तो इसलिए हमारा मेकअप भी होता है, हमारा हर चीज़ होता है, उस वजह से बहुत हो जाता है। मैं दिखाती हूँ तो ये पूरा भर के अभी उधर उसमें अभी सैंडल एंड ऑल सारा कुछ आना बाकी है। ये वो नहीं है, रेड वाला नहीं, बाकी ये सारा चीज़ अभी लेके जाना है। मतलब ओके, सो ऑल सेट, अब यस, अब फाइनली जाने का टाइम हो गया है। मैं अभी जा रही हूँ अपना खाना पैक कराने। एक्चुअली मुझे ट्रेन का खाना उतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं सोची यहाँ से लेके चली जाऊँगी। लेकिन सिंपल सिंपल सा बिल्कुल कम्फर्ट सा ड्रेस पहने कि मैं आराम से ट्रैवल कर लूँ और मुझे कोई टेंशन भी ना हो। तो फाइनली चलते हैं, पहले पैक कराते हैं, उसके बाद निकलते वक्त आगे सूट करूँगी। ऑल सेट, ऑल डन, नाउ टाइम टू गो। अब मैं यहाँ से हावड़ा के लिए कैब बुक करी थी और हावड़ा जा रही हूँ। और मैं हावड़ा के स्टेशन पे पहली बार गई थी तो मैंने ये देखा इतना बड़ा पंखा बट हाँ ये इतना स्लो लग रहा है चल रहा है, बट इसका फ़ैन का स्पीड मतलब क्या बोलते हैं उसको, हवा ज़्यादा आ रहा था। बट एनीवेज मैंने पहली बार देखा तो मैंने सोचा इसको कैप्चर कर लेते कितने लोग थे। के बाद ही सो गई और अभी मैं इसलिए धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि सब लोग सो रहे हैं तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। ट्रेन में सारा टाइम सोते सोते जाओ, अच्छे से
मैं सोची थी कि मैं बहुत सारा दिखाऊंगी कि मुझे कौन सा मिला, मतलब कि पिलो से टेल कवर, मैंने कैसे अपना बेटे छुपी नहीं हो पाया और जो मैं सोई हूँ ना आधा रास्ता के बाद उठी हूँ, पहले सुबह होकर तो मैं पहुँच जाऊँगी ना। और ये सुबह में जगने के बाद, जब मैं सुबह सो के उठी तब तक मैं ऑलमोस्ट नागपुर पहुंच गई थी। तब वहाँ पे कुछ नहीं था, आसपास लोग बातें कर रहे थे कुछ लाइक कहाँ पहुँचे हैं ना और ये सब। तो ठीक है, मैं चुपचाप बैठी थी क्योंकि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा था। एंड फाइनली ऑन द वे टू द रूम, और मतलब रूम इन द सेंस होटल, मैंने ऑनलाइन ही एक होटल देखा था वहाँ पे, जो आपको दिख जाएगा आगे की क्लिप में। पर नागपुर बहुत अच्छा सिटी है, बहुत ही पीसफुल सिटी है मुझे ऐसा लगता है। एंड दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ माय होटल, एंड आपको रूम भी दिख जाएगा ऊपर थोड़ा आगे। लेकिन पहली बात तो ये कि पूरा रूम का वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, मैंने मेंशन किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं रूम टूर के साथ मैं कहाँ एक्सप्लोर कर रही हूँ या फिर मैंने कहाँ कहाँ एक्सप्लोर किया है, ये सारा आप लोगों को दिखा दूँगी। वैसे ट्रिप तो कल भर का ही है, मतलब एक दिन आज और कल का है, परसों यहाँ से चेकआउट करूँगी। तो यस, फाइनली अभी आई हूँ, अभी बहुत हालत ख़राब है, पहले थोड़ा फ्रेश एंड ऑल कर लूँ, फिर थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। टाटा, टिल देन वेट फॉर माई नेक्स्ट ब्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।